तो कोटा में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, वहां बाढ़ नियंत्रण कक्ष से हमारे सहयोगी जग्गू सिंह सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रात से ही बारिश का दौर जारी है और जैसे ही बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भरने लगा तो नियंत्रण कक्ष पर हम घंटे लगे हैं। किस तरह की यहाँ पर शिकायतें आ रही है, आइए हम सीधा आपको नियंत्रण कक्ष से जोड़ते हैं। ये नियंत्रण कोटा किस तरह की शिकायतें सूचनाएं आपके पास आ रही हैं? सर पानी से भराव से संबंधित सूचनाएं आ रही हैं और जैसे अपने जवाहर नगर जो है इधर तो बहुत बुरा हाल है, विज्ञान नगर की तरफ भी बहुत बुरा हाल है और गोरखेड़ा भी जो है बहुत बुरा हाल हो रहा है। और अभी संभावना ये है, अभी तो फिलहाल 2,62,000 क्यूसिक पानी डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन 2 बजे तक संभावना है कि 3.5 लाख प्लस 4 लाख भी हो सकता है, तो वो पोजीशन है। आपने भी रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है इसमें? बिल्कुल सर, हमने पूरा रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, कितने क्यूसिक पानी जा रहा है, कितना इनफ्लो है, गांधी सागर की क्या पोजीशन है, राणा प्रताप सागर की क्या पोजीशन है, जवाहर सागर की क्या पोजीशन है, कोटा बैराज की क्या पोजीशन है, इसके मद्देनज़र हमने पूरा कर रखा है। और हमारे कलेक्टर महोदय माननीय ओम प्रकाश दुनकर जी का मैं आभारी हूँ कि जो दिलो जान से, मैं देख रहा हूँ कि 5:30 बजे से आपके मैसेज चल रहे हैं, इसमें रेगुलर चल रहे हैं, तो आभारी हैं कि हमें इतने अच्छे कलेक्टर महोदय मिले। स्कूलों की छुट्टी हो गई है आज कोटा में? जी सर बिल्कुल, करीबन 7 बजे दुनकर जी का मैसेज आ गया था हमारे कलेक्टर महोदय का कि जो है शिक्षा विभाग की छुट्टी रहेगी। तो जो आश्रय स्थल बनाए हैं उन स्कूलों को खोला गया है? जी सर, जहाँ जहाँ आश्रय स्थल बना है उन स्कूलों को खोल दिया गया है, जैसे कि सकतपुरा का स्कूल है, इधर से अपने पाटनपोल का स्कूल है, कुनाड़ी नयापुरा बाग स्कूल है, सिविल लाइन्स का स्कूल है, ये स्कूल खुले। अभी आपने नियंत्रण कक्ष जाना कि किस तरह से लगातार जो इनके पास जल भराव की सूचनाएं आ रही है और जब भी इन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने जो स्कूल है उनकी छुट्टियां कर दी गई है ताकि किसी तरह की परेशानी नहीं हो, और जिन स्कूलों को आश्रय स्थल बनाया गया है वो स्कूल खुले गए और लगा। तो कोटा की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कल रात से आपको बताते हैं बारिश का दौर लगातार जारी है, नदी नाले बांध सब उफान पर चल रहे हैं, पूरी तरह से ओवरफ्लो होकर सड़कों पर पानी भर गया, इतना पानी है कि सड़कों का पानी भी अब घरों में घुसने लगा है। एहतियातन आज स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी कर दी गई है कलेक्टर के निर्देशों के बाद। सबसे ज़्यादा परेशानी वाहन चालकों को, जो कि कई जगह पर ये बता दें कि शहरी इलाकों में भी इस तरह से पानी भर गया है और घरों में पानी घुस गया है। हालांकि कोटा बैराज बांध जिसके गेट खोलकर पानी की निकासी लगातार की जा रही है क्योंकि बांध भी ओवरफ्लो होकर छलक रहे हैं, और इसी सब को देखते हुए क्योंकि बाढ़ जैसे हालात हैं तो बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी पूरी तरह से वहाँ प्रभावी हो गया है। जिस तरह से हमारे सहयोगी ने वहाँ जाकर बातचीत की, उनसे जायजा लिया उसके बाद से ही, और कलेक्टर ने निर्देश जारी करते हुए स्कूलों में एहतियातन छुट्टी कर दी है, छोटे छोटे बच्चे इस मौसम में और ऐसे बाढ़ जैसे हालातों के बीच कैसे स्कूल पहुँचेंगे। कॉलोनियाँ पूरी तरह से जलमग्न है। तो चलिए कोटा में जिस तरह के हालात है उस पर ज्यादा अपडेट के साथ कोटा से हमारे सहयोगी जग्गू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जग्गू, जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं बिल्कुल बाढ़ जैसे हालात हैं, कॉलोनियां जलमग्न हैं, घरों में पानी घुस रहा है, अभी फिलहाल क्या अपडेट है मौसम को लेकर? बारिश अभी भी लगातार चल रही है? जी, कोटा में लगातार बारिश चल रही है और जो चंबल नदी के बांध है उनमें पानी की आवक बढ़ती जा रही है। कोटा बैराज के 14 गेट खोले जा चुके हैं और दोपहर 2 बजे तक और पानी बढ़ने की संभावना है, इसका अलर्ट जारी किया गया है। 10 बजे से पानी और बढ़ाया जाएगा, इसके लिए आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं। यहाँ पर जो निचले इलाके हैं उनको ऊंचे इलाकों में शिफ्ट किया जाएगा, जो स्कूल है और सरकारी भवन है वहाँ पर आश्रय स्थल बनाए गए हैं और प्रशासन की ओर से वहाँ खाने की व्यवस्था भी की गई है। अभी मैं नियंत्रण कक्ष में हूँ, यहाँ पर इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे कितने लोग हो सकते हैं जिनको खाने की जरूरत पड़ेगी, और ये अलग अलग इलाकों में वहाँ के जो संस्था प्रधान है स्कूलों के उनसे भी पता कर रहे हैं कि कितने लोग आश्रय स्थलों में आए हैं, उनको कितने खाने के पैकेट की जरूरत पड़ेगी। और लगातार जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है, प्रशासन ने अभी बैठक बुलाई थी, जिला कलेक्टर ने तमाम जो अधिकारियों की बैठक बुला कर कहा है कि वो पूरी व्यवस्था करें और कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो NDRF की जो टीम है उसे भी संपर्क में रहने के लिए कहा है, वो टीम यहाँ कैंप कर रही है पहले से ही। इसके अलावा जरूरत पड़ी तो सेना की मदद भी ली जाएगी और सभी जो कार्य रेस्क्यू के संबंधित वो सूरज डूबने से पहले ही लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि रात के समय किसी को रेस्क्यू करना नहीं पड़े ऐसी नौबत नहीं आए, इसलिए
जो निचले इलाकों में जहाँ पानी भरा उन लोगों को अभी से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया जाए। नगर निगम की तरफ से भी मुनादी कराई गई है, इसमें जो नगर निगम के जो आयुक्त हैं वो भी उन्होंने मौके का जायजा लिया और देखा है कि कहाँ पानी की आवक है और जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाएगा। जी जग्गू सिंह, जिस तरह से कोटा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं या फिर जो निचले इलाके हैं वहाँ पर तो देखा जाता है अक्सर कि भारी बारिश के दौरान में पानी भर जाता है, लेकिन क्या शहरी क्षेत्र भी इस बार पानी से लबालब नजर आ रहा है, वहाँ भी घरों में पानी घुसा हुआ है? जिस तरह से कोटा शहर की बात करें तो जवाहरनगर जो इलाका है, अगर पौश इलाका है, यहाँ पर यहाँ काफी जो पठारी इलाके से जो है वो पानी यहाँ पर आवक बहुत तेजी से हुई है पूरी रात में, तो पूरा जवाहरनगर जलमग्न हो गया, यहाँ पर काफी पानी भर गया और घरों में यहाँ पर पानी घुस गया है। इसी तरह एक देवली अरब इलाका है, वो भी काफी निचला इलाका है, वहाँ भी पूरी कॉलोनी में पानी भर चुका है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। स्कूलों की छुट्टी जिला प्रशासन ने पहले ही कर दी है, आज कोटा जिले का कोई स्कूल नहीं खुला है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोटा बैराज, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, अलनी अबान, हरिचंद सागर, सावन भादो, ये सब पर चादर चल चुकी है, इनके गेट खोले जा चुके हैं और अभी भी बारिश का दौर जारी है और मध्य प्रदेश में भी जो बारिश हुई है उसकी आवक भी राजस्थान में हो रही है। जी जग्गू, इस वक्त आप अभी कोटा बाढ़ नियंत्रण कक्ष में ही मौजूद हैं, वहां पर किसी ऐसे अधिकारी से जो कि पूरा नियंत्रण देख रहे हैं किस तरह से इन हालातों में जो है लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उनसे बातचीत हो सकती है? जी जी बिल्कुल बातचीत हो सकती है, यहाँ जो कंट्रोल रूम के जो प्रभारी अभी यहाँ साकी साहिर हमारे साथ है, जो बताएंगे किस तरह से जो है जो यहाँ के जो जी नमस्कार सर। जी सर, जिस तरह के हालात अभी कोटा में बने हुए हैं हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बिल्कुल जलमग्न नजर आ रहा है कोटा, घरों तक में पानी घुस गया है, कलेक्टर ने अभी आपातकालीन बैठक भी बुलाई है, तो किस तरह से आप यहां नियंत्रण कक्ष के जरिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? मैडम, माननीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार पूरी तरह से तटस्थ टीम जो है लगी हुई है, रेस्क्यू टीम पूरी तरह से अपना वर्क कर रही है, देवेंद्र गौतम जी हुए और व्यास जी हुए पूरी तरह से मुस्तैद है और कंट्रोल रूम के कार्मिक जो भी हैं वो भी पूरी तरह से मुस्तैदी से लगे हुए हैं। अभी हमने जो है, मैं अपडेट बता रहा हूँ आपको, गांधी सागर बांध अभी 1306.12 फिट पर है जी। और डिस्चार्ज जो कर रहा है पानी तो वो 1,59,973 क्यूसिक पानी डिस्चार्ज कर रहा है और इनफ्लो जो बढ़ रहा है इसका जी। वो 1,83,043 क्यूसिक पानी जो है इनफ्लो हो रहा है, तो इसके मद्देनजर अभी फिलहाल 1,76,000 कुछ पानी जो है क्यूसिक पानी कोटा बैराज से छोड़ा जा रहा है जी। लेकिन 2 बजे बाद में हमारे पास सूचना आई थी, 2 बजे बाद में हो सकता है कि ये 3,00,000 क्यूसिक पानी भी ये पहुंच जाए जी। बिल्कुल, तो ये पोजीशन है मेरा बिल्कुल। और सर, जिस तरह के हालात कोटा शहर में भी अभी ऐसे ही हैं कि जलमग्न हो गई है वहां भी कॉलोनियां, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में या निचले इलाकों में तो ये जानकारी अक्सर सामने आती है कि पानी भर गया है, कॉलोनी लबालब है, लेकिन शहरी क्षेत्र में भी इस तरह के हालात हैं, तो वहां पर क्या किया जा रहा है, किस तरह की राहत लोगों को रेस्क्यू कर कहां पहुंचा रहे हैं? जी जी, माननीय कलेक्टर महोदय ओम प्रकाश बुनकर जी जो है पूरी तरह से मुस्तैदी से बिल्कुल लगे हुए हैं अपने वर्क के प्रति, पूरी तरह से मुस्तैद है और उनकी आज्ञानुसार हम पूरी तरह से अलर्ट हैं और हमने जो है जितने भी स्कूल्स हैं निचली बस्तियों के जी, उनको भी सारे प्रिंसिपल्स हैं जो भी प्रधानाध्यापक महोदय हैं सभी को हमने कॉल करके सूचित कर दिया कि भाई, तो उन्होंने पूरे स्कूल ओपन कर दिए हैं और जो भी आश्रय स्थल के तौर पे जो भी स्कूल्स बने हैं तो वहाँ भोजन के पैकेट की व्यवस्था भी जो है DSO मैडम पूरी तरह से मुस्तैद है जी, तो उन्हें खाना पहुँचाने का पूरा है, रेस्क्यू टीम के लिए भी आदेश आया उन्हें भी जो है खाना पहुंचाया जाए, तो इस तरह से पूरी तरह से लगे हुए हैं। अच्छा, अगर बारिश का दौर इस तरह से लगातार जारी रहता है तो तैयारियां पूरी है कि आगे क्या करना है? तैयारियां मैडम बहुत बढ़िया तैयारियां कर रखी है हमारे माननीय महोदय प्रकाश शंकर जी ने, हम सलाम करते हैं ऐसी शख्सियत को क्योंकि पूरी तरह से जो है मुस्तैदी से अपना जो है काम को अंजाम दे रहे हैं और पूरी टीम जो है लगी हुई है। चलिए बिल्कुल सर, पत्रकार के साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कोटा में बाढ़ जैसे हालात हैं, तमाम कॉलोनियां जलमग्न हैं, पूरी तरह से घरों में पानी घुस गया है, एहतियातन स्कूल कॉलेज सब बंद हैं और कलेक्टर भी बैठक ले रहे हैं।